चलिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं दूसरे आज का प्रैक्टिकल सेशन। और आज का प्रैक्टिकल सेशन में हम लोग बात करेंगे सिलेंडर का ही दूसरे सिलेंडर के बारे में, जिसका नाम है डबल एक्टिंग सिलेंडर। अब डबल एक्टिंग सिलेंडर और सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, क्योंकि प्रीवियस सेशन में हम लोग बात किए थे सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझें कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर एंड डबल एक्टिंग सिलेंडर, इस दोनों को सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग क्यों बोल रहे हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, बाय नेम मतलब हम लोग तो समझ रहे हैं कि सिंगल एक्टिंग, सिंगल का मतलब समझ में आता है वन, और एक्टिंग का मतलब समझ में आता है मूवमेंट, राइट। मतलब एक डायरेक्शन में आपका मूवमेंट, राइट। बट डबल एक्टिंग सिलेंडर कहने का मतलब डबल टू, और एक्टिंग मतलब जस्ट मूवमेंट, है ना, मोशन आप ऐसे बोल सकते हैं। तो दो डायरेक्शन में मूवमेंट, ये समझ में आता है। बट अगर आप इस सिलेंडर को यहाँ पे ऐसे करके देखें तो इसको देखिए, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। और प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको दिखाया था सिंगल एक्टिंग सिलेंडर, बट कोई बात नहीं है, हम आपको अभी भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है। अब बाई सिर्फ मतलब फिजिकल अपीयरेंस देखिए इस दोनों में डिफरेंस क्या है, बस इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद हम डिटेल इन्फॉर्मेशन है जो आपको शेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें इस सिलेंडर में सिर्फ एक ही पोर्ट है, जबकि इस सिलेंडर को देखेंगे तो यहाँ पे दो पोर्ट है। दो पोर्ट आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। कहने का मतलब कि अगर इस सिलेंडर में अगर आप प्रेशर इस पोर्ट पे देते हैं तो ये सिलेंडर देखिए यहाँ से ऐसे मूव करेगा, और ये देखिए यहीं पे रुका हुआ है। तब तक ये रुका रहेगा जब तक कि दूसरा पोर्ट पे प्रेशर नहीं देंगे, जब तक कि इधर उसका रिवर्स डायरेक्शन में एक्ट नहीं करेगा वो प्रेशर, तब तक ये देखिए ऐसे वापस नहीं जाने वाला, ठीक है ना। तो इसका नाम डबल एक्टिंग है और इसका नाम सिंगल एक्टिंग है, क्योंकि सिंगल एक्टिंग यहाँ पे देखिए एक ही प्रेशर सिर्फ आपको देने का प्लेस है, और यहाँ पे सिर्फ एक प्रेशर देंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा, ऐसे फॉरवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड क्या है, ऑटोमेटिकली आ रहा है, जबकि ये ऑटोमेटिकली नहीं आ रहा है। ये डिफरेंस है सिंगल एक्टिंग सिलेंडर और डबल एक्टिंग सिलेंडर में। तो अब बोलिएगा सर, मतलब सो फार एज दिस टू सिलेंडर्स आर कंसर्न, बी इट सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग, राइट, सो फार एज नेम इज कंसर्न आई अंडरस्टैंड, राइट। बट वाई दिस टू सिलेंडर्स हैव बीन नेम्ड सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग, एट दिस टू आर मूविंग इन द सेम फैशन। दोनों तो सेम ही तरीके से मूव कर रहा है, क्योंकि ये भी एक्सटेंड हो रहा है और रिट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरा ये सिलेंडर भी एक्सटेंड हो रहा है, रिट्रैक्ट हो रहा है। तो मोशन तो दोनों ही एक ही तरीके से कर रहा है, बट ये दोनों मतलब फिर दोनों ये दो क्यों है, एक का सिंगल एक्टिंग नाम, एक का डबल एक्टिंग नाम क्यों है। देखिए, इसका नाम जो है सिंगल एक्टिंग मतलब इसकी वजह से नहीं है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करे, और ये सिलेंडर सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। मतलब ये सिलेंडर है जो दो डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों डायरेक्शन में आपका मूव कर रहा है, इसलिए इसका नाम डबल एक्टिंग है। नहीं, ये सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग नाम दिया गया है सिर्फ प्रेशर की वजह से, है ना। मतलब प्रेशर हम इसको एक डायरेक्शन में फीड कर रहे हैं, वन टाइमिंग में फीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिलेंडर फॉरवर्ड जा रहा है। एंड टू गेट इट बैक आई एम नॉट फीडिंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर टू इट, इट इज ऑटोमेटिकली गेटिंग बैक व्हेन प्रेशर इज बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम हियर, राइट। दैट इज व्हाई दिस इज सिंगल एक्टिंग। बट सो फार एज दिस सिलेंडर इज कंसर्न्ड डबल एक्टिंग, इट नीड्स टू बी गिवन प्रेशर, है ना, फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स इन टू डिफरेंट टाइम्स, जस्ट टू मूव फॉरवर्ड एंड टू गेट इट बैक। इसकी वजह से इसका नाम डबल एक्टिंग सिलेंडर है। पहली बार डबल एक्टिंग सिलेंडर का जो आपका डायग्राम है थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप यहां पे देख पाए तो दिखा तो ऐसे करके, अदरवाइज लैब में आएंगे तो देखेंगे। अभी जस्ट खाली इसका फिजिकल अपियरेंस को आप देखें और समझे, राइट, सिर्फ दो पोर्ट है ये। अब यहां पर क्या है कि दोनों में टेक्निकली डिफरेंस क्या है, टेक्निकली डिफरेंस, जैसे मान लीजिए आपको डोर को ओपन करना है, सिंपली डोर को क्लोज करना है, या कुछ ऐसा ऑपरेशन है जो एक डायरेक्शन में आपको लोड को कैरी कर रहा है और दूसरे डायरेक्शन में वो अनलोड होकर के सिंपली आ रहा है ना, उस टाइमिंग में उसको कोई मतलब ऐसा मतलब फोर्स का जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम लोग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करेंगे। बट ऐसा प्लेस जहां पे कि उसको लोड को कैरी भी करना है, कैरी करके ले जाना है भी, और लोड को फिर लाना भी है, तो वैसे प्लेसेस पे हम लोग यूज करेंगे इस डबल एक्टिंग सिलेंडर को। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों साइड से प्रेशर है, और प्रेशर रहेगा तो लोड को भी बियर करेगा। बट इसमें क्या है, यूनि डायरेक्शन में प्रेशर है, तो दूसरे डायरेक्शन में अगर आप लोड देंगे ना तो ये लोड को बियर नहीं करेगा, सडनली वहां से
मतलब स्लाइटली ये नीचे आ जाएगा और वैसे भी मतलब इस सिलेंडर को डैमेज होने का भी चांसेस है। तो जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर आप कभी ऐसा होता है आज का जो मतलब ऑफिसेस में देखते हैं गेट, आप जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, और जब आप इन कर जाते हैं तो उसको छोड़ देते हैं, वो मतलब स्लो स्लो स्लोली स्लोली वो आकर के डोर लग जाता है। वैसे डोर को ऑपरेट करने के लिए हम लोग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करेंगे, जिसमें तो जिसमें कि खोलने के लिए तो प्रेशर आपने अप्लाई किया, जबकि बंद करने के लिए आपने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, आपने उसको छोड़ दिया और वो अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज होकर के उस गेट बंद हो गया, राइट। तो वैसे प्लेसेस पे सिंगल एक्टिंग का यूज करेंगे। लेकिन अगर डबल एक्टिंग की बात करें तो जितने भी मशीन्स हैं उसका जो आपका बेड है प्लस और भी जो डिफरेंट उसका मतलब गेट है ना, उसमें और भी जो एप्लीकेशंस हैं वहां पे करने के लिए या उस चीज को ऑपरेट करने के लिए, जो कार्स होते हैं कार का जो गेट होता है वहां पे उसको ओपन और क्लोज करने के लिए है ना, तो वहां पे भी हम लोग इस डबल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहां पे हम लोग सिंगल एक्टिंग सिलेंडर डबल एक्टिंग सिलेंडर का यूज करते हैं। ये दो आपका था मतलब सिलेंडर्स था सिंगल मतलब लीनियर, और ये जो सिलेंडर है कैसा मोशन प्रोवाइड करता है, लीनियर मोशन। हम लोग के पास एक और मतलब न्यूमेटिक्स में हम लोग एक मतलब न्यूमेटिक्स में हम लोग एक थर्ड टाइप ऑफ एक्चुएटर्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो इस दोनों से अलग है। ये क्या है कि मतलब दिस एक्चुएटर इज डेडिकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग अ लीनियर मोशन, बट सो फार एज अनदर एक्चुएटर इज कंसर्न दैट इज डेडिकेटेड फॉर प्रोवाइडिंग अ लीनियर मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं रोटेटरी एक्चुएटर, जो हम लोग के लैब में नहीं है। हम लोग के लैब में यही सब इंस्ट्रूमेंट है जो हम आप लोग को अभी दिखा रहे हैं, और कभी ऐसा हुआ तो देखेंगे कुछ व्यवस्था करके आप लोग को दिखा पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही विद दिस वी फिनिश हियर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी सजेशन, प्लीज राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग।